ब्लॉग सुनियो ना तू। हाँ निखिल एंड आज का मोटो ब्लॉग बेसिकली हम आज कुछ शूट कर रहे हैं। अभी शाम के फिलहाल देख सकते हो 5:30 बजा हुआ है और अपने को जाना है कुछ सामान लेने, कॉज ऑफ मेरी सिस्टर का बर्थडे है आज, तो केक वगैरह कुछ लेने जा रहा हूँ। तो सोचा कि चलते चलते क्यों ना आपके लिए कंटेंट शूट करता चलूँ। तो बेसिकली आज का मोटो ब्लॉग है मतलब कि पूरा राइड पे क्या, और कल सेकंड डे पे मैं कल जा रहा हूँ राइड पे। सो 5 लोग होंगे ग्रुप में, तो कल का व्लॉग जरूर देखना। इन जानवरों की वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है। ये जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं ना, ये लोग, इनको ये भी तक नहीं पता होता कि इनकी एक लापरवाही की वजह से कितना एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब कि ये जो चराने वाले हैं ये चलेंगे पीछे अपने जानवरों को आगे छोड़ देते हैं, तो कार या कुछ मतलब किसी भी वाहन के सामने आ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इन लोगों को कहाँ समझ आने वाला है। एंड अगर कुछ हो जाता है तो फिर कार वालों के मतलब जिसका जिससे होता है उससे फिर पैसा मांगते हैं कि इतने की चीज़ मेरी थी, मतलब इतने का मेरा जानवर था, इतने का ये। सो बहुत केस हो चुके हैं, मतलब अधिकतर ऐसा ही होता है। तो ये कुछ है माहौल अभी फ़िलहाल। कल ही शाम को मैं अपने बाल कटवाने गया था, तो एक शॉप पर गया था, मतलब 3-4 शॉप मैं ढूंढना, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कोई सेफ्टी नहीं थी। तो मुझे लास्ट में एक शॉप मिली मतलब 5-6 किलोमीटर दूर घर से, तब वहाँ पे मैंने जाके बाल कटवाए। और वहाँ पे मैं फ़ोन से मतलब व्लॉग नहीं कर सका, वरना आपको दिखाता मतलब कैसी सेफ्टी हो रही है। ग्लव्स पहने था, मतलब नॉर्मल से, इतना भी हाई क्लास का नहीं था, क्योंकि नॉर्मल से 50-60 रुपये की हेयर कट होता है, नॉर्मल सबसे सस्ता 50 रुपये का हेयर कट होता है। तो उस हिसाब से समझ लो कि कितना ज़्यादा सेफ्टी कर पाएंगे, 50 रुपये का जो बाल काटने के लेगा वो कितनी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ये अभी आप समझ। जो 100-200-250 के बाल काटेगा वो तो सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो यही सब चीज़ें मैटर करती हैं। और आपकी सिटी से हो, आपकी सिटी में कैसा क्या चल रहा है, सो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या है माहौल आपकी सिटी का लॉकडाउन में। तो मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और बाइक अगर धूप में कहीं खड़ी कर दो तो ये जो ब्लू पेंट है इसकी थोड़ी शाइन वगैरह जा सकती है, इसका मतलब कि डर है कि। तो इस पर मैं सोच रहा था लैमिनेशन कराने के लिए बाइक पे, पूरी बाइक पे कराऊंगा, या तो फिर टैंक और मतलब मेन इंपॉर्टेंट जगह पर करा लूँगा। सो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हो ये लाइन पड़ रही है पाइप लाइन, तो उसकी वजह से सारा खुदा पड़ा है, तो आधी रोड पर लोग चलते हैं। सो एक चीज़ और बतानी थी, या कुछ समझ लो आपके दिल की बात आपसे शेयर करनी थी, कि बहुत लोग ये मोटो ब्लॉग नहीं समझते हैं कि मोटो ब्लॉग क्या होता है। जो मतलब कि अब मैं ये क्या बताऊं कि कानपुर में जितने बंदे हैं तो बहुत ही कुछ जो बंदे हैं जानते हैं कि मोटो ब्लॉग क्या होता है, व्लॉगिंग क्या होती है, वरना सारे लोगों को तो मतलब अब क्या बोलूँ, टिकटॉक और ये फालतू का क्रिंज कंटेंट ही पसंद है ज़्यादातर लोगों को, मैंने ये देखा है। और जैसे दिल्ली है, मुंबई है, तो मतलब ये शहरों में कम से कम 60% जो लड़के हैं और मतलब जो जितने भी जनता है यूट्यूब पर, 60% दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, मतलब ऐसे जो शहरों में वहाँ की लोग बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग सब चीज़ें समझते हैं कि व्लॉगिंग क्या होती है, मोटो व्लॉगिंग क्या होती है। तो अपने कानपुर में बहुत ही कम क्रेज़ है यूट्यूब का, मतलब जो बंदे जेन्युइन यूट्यूब पे कंटेंट देखना पसंद करते हैं वही लोग समझते हैं कि यूट्यूब पे मोटो ब्लॉग क्या होता है, मोटो ब्लॉगिंग क्या होती है, तो वो लोग पसंद करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जिस कंट्री से क्रिएटर है, मतलब जिस कंट्री से, जिस शहर से, जिस सिटी से, तो उस सिटी के मतलब कि चारों, जैसे कि मैं कानपुर से हूँ तो मेरा वीडियो सबसे पहले पब्लिश होता है, मतलब होता तो है पूरा, मतलब कि यूट्यूब पे पब्लिश हो जाता है वर्ल्ड वाइड, मगर जो मतलब होता है ना कि रिकमेंड करता है पेज पे, तो ज़्यादातर मेरे नियरेस्ट जो होते हैं जैसे कि कानपुर में जो लोग बंदे यूज़ करते हैं तो उनके पे फ़ोन पे रिकमेंड करता है, तो वो चीज़ है। सो अभी आए हैं बेकरी, शक्ति बेकरी कानपुर,
मतलब कल्याणपुर, तो इसमें देखेंगे। A few moments later. तो भाई साहब केक ले लिया है और अभी और कुछ सामान लेना है तो वो भी दुकान पे जाके लूँगा। तो फिलहाल सब कुछ अपने तौर तरीके से होने लगा है। एक कहानी है जो सभी को सुनानी है, जलने वालों की है तो भी नहीं चला। एक कहानी ब्लॉग सुन ना तू? हाँ यही है, देखे हैं देखे। हाँ वही बोलेगा देखे रहा कौन है। हाँ नहीं A few moments later. तो गाइस अभी दो लड़के मिले थे तो वही पूछने लगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो क्या, करतुरिया निखिल आपका नाम है क्या, ये सब मतलब यही सब बातें होने लगी। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। तो भाई साहब मतलब कि सब्सक्राइबर एंड भाई यानी ब्रो यानी सब्सक्राइब्रो, अपना कुछ अलग ही नाम रखता हूँ मतलब सब्सक्राइब्रो। हम अपने चैनल पर सबको बोलेंगे सब्सक्राइब्रो, सीधी बात, नो बकवास, सबसे अच्छा सबसे सिंपल सब्सक्राइब्रो। तो एंड मतलब आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं किया, छोटा मोटा सा ब्लॉग, बस छोटी मोटी सी बातें। मतलब ये देखो जो मैंने धूल उड़ रही मतलब ये देखो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी ना जो मिट्टी का डंप हो रही है, तो देख सो तो ये देखो मिट्टी डंप कर रहे हैं और फिर इसी को मतलब कि वो करते हैं क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसे में बेचते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी बहुत कुछ चीज़ें सस्ती हो गई हैं हर चीज़ का, मतलब अभी ये जब महंगी हो जाएगी बालू जो डंप कर रहे हैं फिर ये अपने मन चाहे पैसे में बेचते हैं, तो भू माफियाओं का ये काम है भैसा। अब इसमें हम ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। और की कैरिम नाडी की वीडियो पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कॉपी सॉन्ग है, सो हम बता दें कि कॉपी कहाँ से कब सब लोग ये सब बातें बोल रहे हैं कि जो टेक्निकल गुरुजी हैं गौरव चौधरी, तो उनका भी एक लाइफ ऑफ मतलब ऐसे कोई एक वीडियो आई थी, तो मतलब जो जिसमें नहीं होता है कि बायोग्राफी दिखाते हैं, तो उस टाइम में लाइफस्टाइल की वीडियो में था तो उन्होंने भी ऐसे एक कहानी है जो सबको बतानी है उस मतलब उनका था, और इसने मतलब थोड़ा सा चेंजमेंट करके ऐसा गाना बना दिया और काफ़ी चीज़ें मतलब, तो इसी को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि कॉपी मतलब कुछ भी। जू ये देखो ये जानवर है ना, मतलब यही सब मैंने बताया था ना कि यही सब चीज़ें होती हैं कि रास्ते में, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। मतलब ऐसा मान लो अगर अचानक से कोई जानवर आ जाता है, कोई स्पीड से जा रहा है, कार वाला या बाइक वाला कुछ भी, तो एक्सीडेंट तो हो ही सकता है ना। लेकिन लोगों को कहाँ समझ आता है जब जिसके साथ एक बार हो जाता है ना, जिसका एक जानवर या कुछ भी एक्सीडेंट में मारा जाता है ना, तब उसको समझ में आता है। कोई शिफ्टर इसमें थोड़ा थोड़ा में वर्क करता है, जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो अचानक से अगर आप मतलब एक्सीलेटर कम करके गियर चेंज करना चाहते हो तो हो सकता है, बट इसका गियर मतलब गियर चेंज मतलब जो गियर है बहुत ही हार्ड से गियर आप जब चेंज करो तो बहुत ही हार्डली गियर चेंज होता है, तो ये चीज़ आपको लगी कमी। Wanna try to battle rap, snap, crack a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.